गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टूल है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जिसे हम रीपरचेज ऑप्शन रेट या रिवर्स रीपरचेज ऑप्शन रेट भी कहते हैं। ये दो मेन रेट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, मतलब वो रेट जिस रेट पर जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उनके डिपॉजिट्स पर देता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से पैसा महंगा मिलेगा, तो क्रेडिट क्या होगा? जब कमर्शियल बैंक्स को खुद को जो पैसा है वो आरबीआई से महंगे रेट पर मिल रहा है, तो वो आगे लोन भी हायर रेट पर देगी, तो जो सप्लाई है मनी की वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अगर इंक्रीज होगा रेपो रेट तो जो आपका क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली अगर इंक्रीज होगा रिवर्स रेपो रेट में, इसका मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट कराने पर ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो वो लोन की फॉर्म में लोगों को पैसा नहीं देना चाहेगी, क्योंकि उसे हायर रेट कहाँ मिल रहा है? आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करवाने पर मिल रहा है, रिवर्स रेपो रेट अगर हायर है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो भी क्रेडिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर उल्टा हुआ तो एक्सपैंड होगा। इसका मतलब कि अगर रेपो रेट कम है तो क्रेडिट एक्सपैंड होगा, और रिवर्स रेपो रेट भी अगर कम है तो क्रेडिट एक्सपैंड होगा। तो जो जून 2019 में रेपो रेट था वो था 5.75% और जो रिवर्स रेपो रेट था वो था 5.50%। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अक्टूबर 1960 में आरबीआई ने ये चीज़ शुरू की मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम्स की। इस प्रोग्राम के अंडर आरबीआई क्या करती थी, कोटा फिक्स कर देती थी कमर्शियल बैंक्स के लिए कि कितना उन्हें क्रेडिट मिलेगा। अगर वो विद इन कोटा क्रेडिट ले रहे हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग है, लेकिन अगर वो अपने कोटे से बाहर जाके क्रेडिट लेते हैं तो उनसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता था। तो आरबीआई कोटा चेंज करकर कमर्शियल बैंक्स को जो क्रेडिट उन्होंने देना है उसे कंट्रोल करती थी, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती थी क्रेडिट को। आरबीआई अगर कोटा को कम कर देती है और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है तो जो क्रेडिट है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर आरबीआई इंक्रीज कर देती है कोटा को और रिड्यूस कर देती है इंटरेस्ट रेट को तो जो क्रेडिट है आपका वो एक्सपैंड होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। जैसे कि हमने ऊपर भी बात की कि अगर आपको स्पेसिफिक सेक्टर में क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है वो डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में, ये होल इकोनॉमी को अप्लाई नहीं होता। किसी स्पेसिफिक सेक्टर में क्रेडिट फ्लो को अगर जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करना चाहती है तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के थ्रू आप उसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि जो वीट के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, मेंबर बैंक्स को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि आपने वीट की सिक्योरिटी पे लोन नहीं देना, तो इसका मतलब ट्रेडर्स को क्रेडिट लोन नहीं मिलेगा फॉर द परचेज ऑफ वीट, तो वो लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वीट बाय नहीं कर पाएंगे और इससे जो डिमांड प्रेशर है वीट का वो कम हो जाएगा, तो जो वीट के प्राइसेस हैं वो इससे कंट्रोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है उसने सिर्फ और सिर्फ वीट के
प्राइसेस में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस मेथड को यूज़ किया। तो इसी को हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो पावर देता है रिजर्व बैंक को कि उसके पास राइट है वो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स यूज़ कर सकता है। इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहला है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन्स। मार्जिन क्या होता है? सपोज आपने बैंक से लोन लेना है, हम कहते हैं कि आपने लोन लेना है 100 रुपीज़ का। तो अगर बैंक कहता है कि जो उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 20% है, इसका मतलब कि अगर आप 100 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओगे तो आपको 80 का लोन मिलेगा। तो अगर आपको 100 का लोन चाहिए तो आपको 120 की सिक्योरिटी बैंक के पास जमा करवानी पड़ेगी। अगर मार्जिन कम है, मार्जिन अगर कम है तो अगर आप सिक्योरिटी जमा करवा रहे हो, सपोज़ हम कहते हैं कि मार्जिन 10% है, इसका मतलब कि अगर आप 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी देते हो तो आपको 90 का लोन मिलेगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा आप कर देते हो, मार्जिन 20% आपने कर दिया, तो इसका मतलब कि अगर आप 100 की सिक्योरिटी देते हो तो आपको 80 का लोन मिलेगा। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ऑन लोन उसको चेंज करके भी आप क्रेडिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट या क्रेडिट को एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मॉरल पर्सुएशन। इसमें जो रिजर्व बैंक है वो मॉरल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है मेंबर बैंक्स के ऊपर कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू करें। RBI कन्विंस करता है कमर्शियल बैंक्स को कि अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को वो लोन ना दे। फ्रॉम टाइम टू टाइम जो रिजर्व बैंक है वो मीटिंग्स करता है अपने मेंबर्स के साथ और उनकी कोऑपरेशन डिमांड करता है इन इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। वो एडवाइस करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर को दो, एग्रीकल्चर को दो, स्मॉल इंडस्ट्रीज को दो, और जिसको एक्सपेंड आप नहीं करना चाहते सेक्टर को उसे वो कहता है कि आप कम क्रेडिट दो। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। ये स्कीम जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी RBI ने 1965 में। इस स्कीम के अंडर जो बैंक्स हैं उन्हें ऑथराइजेशन लेनी पड़ती थी RBI से अगर वो फ्रेश लोन सेंक्शन कर रहे हैं किसी सिंगल पार्टी को 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का। ये जो अमाउंट है लिमिट की वो चेंज हुई टाइम टू टाइम। 1986 में इसे रेज कर दिया गया 6 करोड़ रुपीज़ तक, लेकिन बाद में 1988 में ये जो स्कीम थी उसे RBI ने एबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स। इन अरेंजमेंट्स के अंदर जो RBI है वो मॉनिटर करती है, स्क्रूटनाइज करती है जो भी बैंक्स ने सेंक्शन किए हैं लोन जिसका जो अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है और आपने किसी सिंगल पार्टी को दिया है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। RBI स्क्रूटनाइज करेगी वो उन सभी लोन्स को और उसके बाद जो जो जब कमर्शियल बैंक्स ने सेंक्शन कर दिया है फिर वो उसको स्क्रूटनाइज करती है। नेक्स्ट इज़ योर डायरेक्ट एक्शन। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो RBI है वो किसी भी कमर्शियल बैंक के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। अगर कमर्शियल बैंक जो परस्यू कर रहा है पॉलिसी या कोई एक्शन परस्यू कर रहा है जो फेवर में नहीं है सिस्टम के, जो मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट जो वो करना चाहती है उसके फेवर में नहीं है, तो जो रिज़र्व बैंक है वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कमर्शियल बैंक के ऊपर। स्टॉप कर सकता है कि वो लोन नहीं देगा या रिकमेंड कर देगा कि डिफॉल्टिंग मेंबर बैंक को बंद कर दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है। नेक्स्ट इज न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। न्यू लोन सिस्टम जो है फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। ये एप्लीकेबल होता है बॉरोअर्स पर जो डिमांड करते हैं लोन एक्सीडिंग 20 करोड़ रुपीज़। जो 20 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का लोन डिमांड कर रहे हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। जो ऑब्जेक्टिव था इस लोन सिस्टम का वो था बेटर यूटिलाइजेशन करना बैंक क्रेडिट की बाय लार्ज बॉरोअर्स। इस स्कीम के अंडर मैक्सिमम 75% जो लोन दिया जा रहा है आपको वो सेंक्शन होता था एज लॉन्ग टर्म लोन और जो रिमेनिंग 25% था वो आप अलाउ करते थे शॉर्ट पीरियड के लिए फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज सीलिंग ऑन लोन्स। सीलिंग ऑन लोन्स में अगर क्या है कि अगर किसी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए बैंकिंग सेक्टर लोन दे रहा है तो उसकी आपने लिमिट फिक्स कर दी कि वो 500 करोड़ रुपीज़ ही दे सकता है, उससे ज़्यादा
नहीं दे सकता है. मैक्सिमम जो सेंक्शन कर सकता है बैंक लोन, दैट इज़ 500 करोड़ रुपीज़ फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट. लेकिन अब ये जो सीलिंग है वो रिलैक्स कर दी गई है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ चॉइस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्रेडिट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. मतलब आप कब क्वालिटेटिव यूज़ करना चाहिए आपको और कब क्वांटिटेटिव यूज़ करना चाहिए. क्वांटिटेटिव मेथड कंट्रोल करते हैं एंटायर क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को, जबकि जो क्वालिटेटिव मेथड है कंट्रोल करता है यूज़ ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली. क्वांटिटेटिव मेथड्स डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, डिफरेंस नहीं करते हैं बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्रेडिट, जबकि जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं वो डिफरेंस करते हैं बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्रेडिट. क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ज़्यादा डायरेक्ट और इफ़ेक्टिव है देन क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है उनका इनिशियल इम्पैक्ट पड़ता है एक्सटर्नल सिचुएशन पर और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उनका फुल कंट्रोल नहीं होता ओवर एक्सटर्नल फैक्टर. दोनों ही मेथड्स में से कौन ज़्यादा यूजफुल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन चॉइस डिपेंड करती है ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. जो ऑब्जेक्टिव अगर सेंट्रल बैंक का है कि प्राइस स्टेबिलिटी मुझे अचीव करनी है या मुझे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से निपटना है, तो वो अडॉप्ट करेगी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. अगर उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, तो वो क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को यूज़ करती है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ डिफ़िकल्टीज इन क्रेडिट कंट्रोल. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.